यूपी के कन्नौज में 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कलेक्ट्रेट में आयोजित योग शिविर का जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने उद्घाटन किया और मौजूद लोगों के माध्यम से आम जनमानस को योग के प्रति आम लोगों को जागरूक करने की अपील की। कन्नौज में 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को इत्र नगरी योग में हो गई। कलेक्ट्रेट में जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह के साथ जिले के आला अधिकारियों, स्कूली छात्र छात्राओं, अध्यापकों सहित गणमान्य नागरिकों ने भव्य योग शिविर में योगाभ्यास किया और इसे अपनी दिनचर्या में उतारने का संकल्प भी लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी स्वयं रांची में आज इस योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं समझता हूँ इस योग की क्रिया को, जिसको प्रधानमंत्री जी की द्वारा इस पूरे विश्व में एक नई पहचान मिली है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब इस योग की क्रिया को अपने जीवन में लेकर के आएँ और अपने जीवन को चुस्ती और स्फूर्ति से भरा हुआ बनाएं। बड़ों सर, बच्चों ने भी काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लिया है योग में, तो क्या लगता है बच्चों में ज़्यादा उत्साह रहता है इन सब चीज़ों को? बिल्कुल जी, बच्चों में बच्चों में भी जागरूकता योग के प्रति है और बच्चों में जागरूकता आएगी तभी बच्चों से और जो साथ के, क्योंकि बच्चों के प्रति बच्चे जल्दी सीखते हैं और बच्चों के साथ में एक दूसरे को देख करके बच्चे और जल्दी सीखते हैं, तो योगा की जो पूरी क्रिया है सभी लोगों को, मैं समझता हूँ उनके लिए लाभदायक है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। योग के प्रति जिस तरह से आज पूरे देश में जागरूकता फैली है, योग हमारे देश की 5000 साल पुरानी परंपरा है और इसको मैं समझता हूँ कि हमारे देश की धरोहर है और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए।